वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद परिषद द्वारा टब वन जो नवम की परीक्षा है, कक्षा नौ की परीक्षा है, प्रथम सावधिक मूल्यांकन जो है वो उसके संबंधित जो है महत्वपूर्ण सूचना यहां पे दिया गया है। कक्षा नौ की परीक्षा जो है टब वन की परीक्षा वो 2022 का जो है 5/5/2022 यानी 5 मई 2022 को होगी, थर्सडे को। अब देखिए ये जो है दो सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग। तो पहला एग्ज़ाम जो है वो 5 तारीख को होना है, फर्स्ट सीटिंग। और फर्स्ट सीटिंग का टाइमिंग है 10:45 से 1 बजे तक। और फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सीटिंग जो 5 तारीख को होना, उसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे, उसमें रहेंगे हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश। तो हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश जो है ये फर्स्ट पेपर में रहेगा। और फर्स्ट पेपर जो है 10:45 से 1 बजे तक संचालित होगी, जो 5 तारीख को है, ठीक है। वहीं पे सेकंड पेपर जो है 2:05:15 में है, और सेकंड पेपर में आपको मैथमेटिक्स और साइंस के प्रश्न रहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। और वहीं पे एक और परीक्षा जो आपकी होगी 6 तारीख को, जो फ्राइडे पड़ता है, ये थर्ड पेपर होगी। देखें कक्षा 9 में 3 पेपर की परीक्षा होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज पेपर है, हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश। सेकंड पेपर में मैथमेटिक्स और साइंस है। और थर्ड पेपर जो है उसमें आपको सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, कोई अदर भाषा है, अतिरिक्त भाषा है, तो उसकी परीक्षा होगी। और SST की परीक्षा होगी थर्ड पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे। छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषयों, भाषा 1, भाषा 2, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से। आपने जो भाषा चुना है, 1-2 भाषा चुने होंगे, और गणित होंगे, विज्ञान होंगे और सामाजिक विज्ञान जो है उसकी परीक्षा OMR सीट पे ली जाएगी। OMR सीट जो है आपने 8 में भी देखा होगा। परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त 5 विषयों के में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 5 विषयों में से 4 विषय में अनिवार्य रूप से आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला देखते हैं, इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विषय में आपको 40 अंक के OMR सीट के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और 10 अंक जो है आपको विद्यालय स्तर से दिए जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक विषय में आपको विद्यालय स्तर से 10 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब देखें और कुछ विशेष सूचना। विशेष सूचना ये है कि आप 23/4/2022 से इसका एडमिट कार्ड जो है वो इस वेबसाइट से www.jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन की जो 10 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन है उसकी जो ऑनलाइन कॉपी जो है वो वेबसाइट पे बाद में चढ़ा दिया जाएगा। और खबर देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सभी विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र का अध्ययन है तो 15 मिनट समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी अतिरिक्त समय 15 मिनट दिया जाएगा ताकि बच्चे क्वेश्चन को समझ सके। अब देखते हैं, यदि +2 विद्यालय महाविद्यालय छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में विषय, फोटो, हस्ताक्षर समेत कोई त्रुटि हो तो इसका संशोधन परिषद के कार्यालय दिनांक 25/4/2022 से 30/4/2022 तक कराया जा सकेगा। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में फोटो, हस्ताक्षर, विषय इत्यादि चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये कि अप्रैल के 25 तारीख से और अप्रैल के 30 तारीख तक आप फोटो, हस्ताक्षर या सब्जेक्ट में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप इसे समझें और आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।